बॉलीवुड में अक्सर ही देखा जाता रहा है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज किसी भी तरह के मुद्दों पर बोलना सही नहीं समझते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाएंगे तो उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग घटती हुई नजर आएगी। और ऐसा ही कुछ समय पहले तक बॉलीवुड सेलेब्स अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर ही रखते थे, लेकिन अब वो खुलकर अपनी निजी जिंदगी के बारे में भी बात करने लगे हैं। अब उन्हें कैमरे पर खुलेआम पर्सनल बातें करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। और हाल ही में एफएम चैनल पर एक चैट शो में फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर से बातचीत के दौरान एक्ट्रेस विद्या बालन और वाणी कपूर ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने बेडरूम लाइफ के बारे में खुलासे किए हैं, जो शायद ही आज तक कोई भी सेलिब्रिटी नेशनल टेलीविजन के सामने बोल पाया होगा। तो चलिए जानते हैं आखिर विद्या बालन ने करण जौहर के चैट शो पर ऐसी क्या बातें कही हैं। बॉलीवुड में अक्सर ही अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर विद्या बालन बेहतरीन फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, जिन्होंने अपने करियर के दौरान हर तरह की फिल्मों में काम किया है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनका पर्सनल लाइफ भी काफी अच्छा रहा है, जहां उन्होंने सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी रचाई थी, जो एक फिल्म निर्माता है। लेकिन इन सभी के बाद अगर बात करें विद्या बालन की, तो विद्या बालन हाल ही में करण जौहर के चैट शो में अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में आ गई थी। हालांकि चैट शो में करण जौहर ने जब विद्या बालन से पूछा कि वो बेडरूम में लाइट्स खुली रखना पसंद करती हैं या बंद, तो इस पर विद्या का जवाब था कि उन्हें हल्की रोशनी पसंद है। करण ने पूछा संगीत या मोमबत्तियां, तो विद्या बालन ने जवाब दिया दोनों। करण ने बेडशीट्स के बारे में भी पूछा कॉटन या सिल्क, विद्या का जवाब था हमेशा कॉटन, सिल्क कपड़े में कुछ वैसी फीलिंग आती है, पता नहीं कैसी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब करण जौहर पूछते हैं कि काम खत्म होने के बाद चॉकलेट, ग्रीन टी या फिर एक और राउंड, तो विद्या बालन का जवाब था पानी, प्यास बुझाते बुझाते और प्यास लगने लगती है। और ये सुनते ही करण जौहर के होश उड़ गए थे और वो हंसने लगे। लेकिन उनके इस बयान के बाद विद्या बालन को काफी ट्रोल किया जाने लगा था। इसके साथ ही करण जौहर ने वाणी कपूर से भी कई सवाल किए। करण ने वाणी कपूर से पूछा तो वाणी कपूर ने जवाब दिया कि उन्हें रॉन्ची म्यूजिक पसंद है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको ब्लाइंड खेलना पसंद है या हैंडकफ्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों के साथ कंफर्टेबल हैं। जहां तक बात थी बेडशीट्स के टाइप की, तो वाणी ने कहा कि उन्हें सिल्क शीट्स पसंद है। आपको बता दें कि विद्या बालन आखिरी बार फिल्म शकुंतला देवी में और वाणी कपूर आखिरी बार फिल्म बेफिक्रे में नजर आई थी। दोनों फिलहाल किसी नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे विद्या बालन के इस तरह के सवालों के इस तरह के जवाब देने पर, जिसे सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाए। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।